हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ अलर्ट मशीन के अंदर आप बिल्कुल इजी मास्किंग ट्रांजेक्शन किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस प्रकार के ट्रांजेक्शन किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स में आप। तो वीडियो को एंड तक देखें एंड चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इस वीडियो के लिए लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अलर्ट मशीन एप्लीकेशन पर हूँ। यहाँ पर आपको प्लस पर टैप करना है, वीडियो में चले आना है। इसके बाद आपको वीडियो ऐड करना है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड करना है तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो लैग ना हो मेरा मोबाइल क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर इमेज को ऐड कर रहा हूँ। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पर साइज इसका बढ़ा लेता हूँ, तो कुछ इतना मैंने साइज रख लिया है। इसके बाद आपको इधर साइड में आना है और जहाँ जैसे आप वीडियो ऐड करेंगे तो वीडियो के एंड में आना है। एंड में आने के बाद आपको कुछ सेकंड पहले जाना है, कुछ सेकंड मतलब वीडियो खत्म होने वाली रहे तो वहाँ पर आ जाना है, कुछ सेकंड पहले जाना है वीडियो खत्म होने वाली रहेगी और वहाँ से कुछ सेकंड पहले आना है और वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो को ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट इमेज को ऐड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इमेज को ऐड कर दिया है। उसी टाइमलाइन पर आपको रहना है। यहाँ पर आपको प्लस पर टैप करना है और यहाँ से आप एक रेक्टेंगल शेप को लें। कुछ इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल शेप ले लेना है, इस गोल वाले रेक्टेंगल शेप को लेना है। इसके बाद आपको इस कॉर्नर में ले आना है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आपको इस कोने में ले आना है और इस प्रकार से रख लेना है कि ये दिखाई ना दे आपको। यहाँ पर आपको फर्स्ट में एक की लगा लेना है। इसके बाद आपको कुछ इतने सेकंड में आना है। यहाँ पर आपको फिर से एक की लगा लेना है। की लगाने के बाद आपको इस प्रकार से इसे इस प्रकार से ले आना है और कुछ इधर साइड में आपको ले आना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इधर साइड में ले आना है। इसके बाद आपको फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको इधर साइड में इसे बिल्कुल सीधान से रख लेना है ताकि ये बिल्कुल सीधा नजर आए आपको। इसके बाद आपको सेकंड की में आना है। यहाँ पर आपको साइज वाले ऑप्शन में चले आना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में की लगाना है और सेकंड यहाँ पर इधर साइड में आपको आना है और कुछ इतने सेकंड में आना है और यहाँ पर भी एक की लगा लेना है। की लगाने के बाद आपको इधर साइड में इसका साइज इस प्रकार से बढ़ा लेना है, तो इतना बढ़ा लेना है कि ये पूरा फुल हो जाए। इसके बाद आपको मूव वाले आइकन टैप करना है। इधर आपको दोनों की के बीच में आ जाना है। यहाँ आपको कर्व के आइकन टैप करना है और कुछ इस प्रकार से कर्व दे देना है ताकि ये स्मूथ जाए। कुछ इस प्रकार से आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आप दो तरीके से मास्किंग ऑन कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका है कि आप यहाँ से ग्रुप कर लें, इस प्रकार से ग्रुप आइकन पर टैप करके ग्रुप कर सकते हैं। या सेकंड तरीका है कि यहाँ पर आपको इमेज पे टैप करना है और इसे ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने के बाद आपको इमेज पे टैप करना है, थ्री डॉट पे टैप करके यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन टैप कर देना है। इससे फायदा ये होगा कि ये जो ग्रुप के अंदर मर्ज नहीं होंगे, तो ये फायदा हो सकता है। इसके बाद आपको इधर साइड में आना है और इधर साइड में आने के बाद आपको अगर ये लंबी वीडियो है तो इस लेयर को पूरी वीडियो भर रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको इधर साइड में आना है और ये जो जहाँ पर ये फर्स्ट इमेज खत्म हो रही है वहाँ पर आना है और इसे इस प्रकार से कट कर देना है। कट करने के बाद इधर साइड में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक नज़र आएगा तो आपको इधर साइड में आना है। इधर साइड में फर्स्ट में आ जाना है यहाँ शुरू में और यहाँ पर आपको इधर साइड में आना है और इसे स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद आपको इस इमेज पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है और इस ऑप्शन को बंद कर देना है। इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ से आपको ये जो रेक्टेंगल शेप है इसे पूरी वीडियो बाहर आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको नजर आएगा और ये चालू रहेगा इसे। इसके बाद आपको मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन बता दूँ कि आपको सेकेंड इमेज को ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ। इमेज या वीडियो दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको एंड होने से पहले अपने ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। जैसे कि इमेज ऐड करना है तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं या वीडियो ऐड करना है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से रख लेता हूँ। ये इमेज छोटी है इसलिए मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आपको रख लेना है। जहाँ पर ये इमेज आपने ऐड की है वहीं पर आपको रहना है, प्लस पर टैप करना है और यहाँ से आपको फिर से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है। इस प्रकार से इधर साइड में आपको इस प्रकार से मूव कर लेना है, इसे इस कोने में आपको पहुँचा देना है और दिखाई ना दे इस प्रकार से आपको रखना है। इसके बाद आपको साइज वाले ऑप्शन में टैप करना है। यहाँ फर्स्ट में एक की लगा लेना है, इधर साइड में आपको आना है और आप अगर लंबा ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं तो आप आगे भी की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस सेकंड में की लगा लेता हूँ और इसके बाद आपको इस साइज को इस प्रकार से बढ़ा लेना है। आपको इतना बढ़ा लेना है कि ये फुल हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप रख सकते हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन देना चाहें अगर आप स्पीड या स्मूथ के लिए तो आप ट्रांजेक्शन भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ मैं दूसरे तरीके से मास्क को ऑन कर देता हूँ इस प्रकार से, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ सेकंड ट्रांजेक्शन आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट में इमेज को ऐड कर लेना है
तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से इमेज ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड इमेज को मैं ऐड कर लूँगा। प्लस पर टैप करके आपको फिर से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म टैप करके साइज वाले ऑप्शन में चले आना है और एक की लगा लेना फर्स्ट में, जीरो करना है यहाँ पर आपको, और इधर साइड में आना है इस सेकंड में। अगर आप अधिक लंबा ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं, मतलब लेट से ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं, तो आप आगे भी सेकंड में लगा सकते हैं, मतलब आगे सेकंड कर सकते हैं और की लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इतने सेकंड में आ चुका हूँ और फिर से एक की लगाऊंगा और इसका साइज इस प्रकार से आपको फुल कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एनिमेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप स्पीड के लिए कर्व के ऑप्शन में जाकर आप कर्व दे सकते हैं। तो मैं कुछ इतना ही रख लेता हूं और यहां पर आपको वीडियो को या इमेज को ऊपर ले आना है और सेकंड यही ऑप्शन है कि इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहां क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन में टाइप कर देना है। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाएगा जो कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। इस तरीके में आपको मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल शेप जहाँ तक आपका रहेगा वहीं तक आपको वीडियो नज़र आएगी। अगर जैसे यहाँ से कट हो गया तो आपको इधर साइड में कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी प्रकार आपको करना है अगर आपको आगे दिखाना है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं और इधर साइड से आपको स्प्लिट कर देना है। इमेज या वीडियो जो भी रखना चाहें आप उससे रख सकते हैं और इस प्रकार से आपको सेटिंग को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से मास्किंग के ऑप्शन को यूज करके ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।